मॉर्निंग सर। करिए बेटा शुरू। यस यस सर। ओके बेटा, तो जो जय हिंद। अच्छा स्वागत है नहीं, फिफ्थ टॉपिक है तो ए 12.5 बच्चों आज के इस लेक्चर का नंबर रहेगा। आ वाले हैं काल पेशेंस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में हम पढ़ रहे थे थर्ड, आज का हमारा मेथड है। थर्ड मेथड कौन सा? ये है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसका नाम है पद विचलन विधि द्वारा कोरिलेशन कैलकुलेट करना। इसमें काल पेशेंस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड में बच्चों हमने कल पढ़ा था, क्या कल का याद है? कल हमने करा था ये बेटा, जो हम पूरा ये पढ़ रहे हैं ना खेल, पूरा खेल हमारा जो कोरिलेशन का है, सहसंबंध का है, वो है तीन मुख्य विधियां हैं हमारी। एक स्कैटर डायग्राम मेथड थी, दूसरा हमारा काल पेशेंस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, और तीसरा हमारा स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कौन सा मेथड, स्कैटर जो डायग्राम मेथड था, विक्षेप चित्र बिंदु विधि, वो तो सिंगल था। लेकिन ये जो दूसरा मेथड हमारा है, सेकंड मेथड बेटा जो हमारा है कोरिलेशन को कैलकुलेट करने का, वो था काल पेशेंस का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसमें प्रत्यक्ष विधि से भी करते हैं, लघु विधि से भी करते हैं, और तीसरा पद विचलन विधि से भी करते हैं। ठीक है, तो परसों हमने पढ़ा डायरेक्ट मेथड से, कल हमने समझा शॉर्टकट मेथड से, और आज हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, यहां तक कुसुम याद आ गया सबको कि हमने पहले क्या पढ़ा है परसों और क्या पढ़ा है कल? यस सर। अच्छा बेटा, शॉर्टकट मेथड आपको याद है? इस मेथड को लिखो जरा कॉपी पे, जो शॉर्टकट मेथड है ना, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड और शॉर्टकट मेथड में बहुत ही थोड़ा सा फर्क है। इस मेथड को लिखो बेटा कॉपी पे, रफ कॉपी पेन है ना सर, फॉर्मूला लिखना है। हाँ बच्चे, सिर्फ फॉर्मूला लिखो, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड में जरा सा स्लाइड चेंज करेंगे हम इसी फॉर्मूले में, और ये याद भी करना है। याद हो गया किसी को ये? गौरव? यस सर। याद कर लिया बेटा इस फॉर्मूले को? याद नहीं हुआ ना अभी? कोई बात नहीं, लिखो R इक्वल टू क्या है, सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस करेंगे किससे? मैं यहां मैं लिख लेता हूं दोबारा, मेरे साथ लिखते चलो। R इक्वल टू क्या मतलब, रैंक कोरिलेशन इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस करते हैं हम किससे? सिग्मा डी एक्स से, गुणा करते हैं फिर इसको सिग्मा डी वाई से, ओवर करते हैं एन। ये तो होता है लाइन के ऊपर का काम। लाइन के नीचे हम क्या करते हैं, जब इसका स्क्वायर कर लेते थे, सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर माइनस किससे करते थे, सिग्मा डी एक्स और इसका स्क्वायर ओवर एन, फिर इसका भी अंडर रूट लेते थे, इसको मल्टीप्लाई करते थे किससे, वाई वाले हिस्से से, सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस किससे करेंगे, सिग्मा डी वाई का स्क्वायर ओवर एन, ये भी अंडर रूट। तो ये था हमारा फॉर्मूला, लिख दिया बच्चों रफ कॉपी पे, उतारा कि नहीं? यस सर। ठीक है ना बेटा, ये हमारा लघु विधि से था, लेकिन पद विचलन विधि में हम एक स्टेप आगे जाते हैं। क्या हम इसमें करते हैं, कौन बताएगा? गौरव? शॉर्टकट मेथड के बाद स्टेप डेविएशन मेथड में जाने में एक हम एक्स्ट्रा स्टेप करते हैं, क्या करते हैं बेटा? सर कॉमन डिवाइडिंग फैक्टर। हाँ, कॉमन डिवाइडिंग फैक्टर सी लेते हैं। ठीक है बेटा, सी लेने के बाद क्या हो जाता है, फिर वो डीएक्स जो हमने यहां लिया था ना बेटा, जो बेटा हमने यहां लिया ना ये वाला फॉर्मूला, इन सब में डीएक्स के बजाय डीएक्स डैश हो जाएगा, डीवाई के बजाय डीवाई डैश हो जाएगा, यहाँ पे जो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर है ये सिग्मा डी एक्स डैश का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ डी एक्स सिग्मा डी एक्स है ये सिग्मा डी एक्स डैश हो जाएगा, यहाँ भी सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा, सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वायर, ये बस इतना सा ही चेंज हम करेंगे, सिग्मा डी एक्स डैश सिग्मा डी वाई डैश, सबको एक स्टेप आगे लेना है, बाकी हमारा शॉर्टकट वाला फॉर्मूला ही एज इट इज अप्लाई होता है किस पर, पद विचलन विधि में स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले को दोबारा यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है,
तो हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किसका फॉर्मूला है, अब ये स्टेप डेविएशन मेथड जो आज का हमारी विधि है पद विचलन विधि। क्या करेंगे, आर इक्वल टू किसके बराबर होगा, आर क्या करेंगे सिग्मा डी एक्स डैश और डी वाई डैश। ठीक है, हमने लघु विधि में क्या करा था, सिंपल था ना, डी एक्स और डी वाई था, लेकिन इसमें डैश डैश होगा क्योंकि वन स्टेप अहेड हमने जाना है। माइनस किससे कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे सिग्मा डी एक्स डैश गुणा कर लेंगे सिग्मा डी वाई डैश। ठीक है, ओवर ये एन हो जाएगा, तो ये लाइन के ऊपर का काम। लाइन के नीचे हम क्या करते थे, सिग्मा डी एक्स डैश का स्क्वायर करेंगे, फिर इसको माइनस किससे कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा डी एक्स डैश का स्क्वायर ओवर एन, ये अंडर रूट। ठीक, इसको फिर गुणा करेंगे किससे, अब एक्स वाला काम है वाई वाला करेंगे इधर, सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वायर माइनस किससे करेंगे, सिग्मा डी वाई डैश इसका स्क्वायर ओवर एन और ये अंडर रूट। ये हमारा फॉर्मूला किसका लिखा मैंने, किस मेथड से ये फॉर्मूला कुसुम, पद विचलन विधि। कुसुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो, नेटवर्क है ना? यस सर। बच्चे दोनों में फर्क बस थोड़ा सा ही, ठीक है ना, वहां पे था यहाँ पे हर जगह dx और dy की जगह डैश डैश लग गया, वन स्टेप अहेड हमने जाना है। ठीक, बाकी अब इसकी अगर हम बात करें, हमने इसको एक्सप्लेन अगर करना हो तो बेटा क्या है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप वही हमारे कौन से, सेम शॉर्टकट मेथड के। ठीक है, शॉर्टकट मेथड के ही हम रिपीट इसमें करते हैं, जो हमने कल शॉर्टकट में लिए थे वही यहां पे लिए थे। मतलब हमने उसमें dx लिया था, dx क्या था हमारा, dx हमारा था क्या, डेविएशन, किसका डेविएशन था, ये हमारा डेविएशन था x सीरीज का। ठीक है, और ये था हमारा x माइनस ए एक्स। ठीक, ए के साथ x क्यों लगाया हमने कुसुम, सिंपल x माइनस ए क्यों नहीं करा यहाँ पे, बता जरा, किसमें दो ए है। हाँ बेटा, क्योंकि y में भी तो आना है ना, उसको हमने ए वाई लिखना है ताकि कॉमन कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर dx के बाद फिर इसका dx निकालना है, dx क्या हो जाएगा, dx हमारा क्या हो जाएगा, जब हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड किसको कर देंगे, dx को dx विद किसके साथ कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे c के साथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी एक्स, एक तरह से इसको भी हम लिखते हैं क्योंकि c भी दो होंगे ना हमारे, तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर सी एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा डी एक्स डैश। उसी तरह हमारा होगा डी वाई, डी वाई क्या था हमारा, डेविएशन ऑफ y सीरीज। ठीक है, और ये कैसे निकलता था हमारा, y माइनस ए वाई। अब यहां पे श्रुति समझ में आ गया, ए वाई मैंने क्यों लगाया, यस सर। ठीक है ना बेटा, क्योंकि ऊपर ए एक्स लिखा, इसको यहां पे ए वाई लिखना, यहां पे सी लिखा सी एक्स और उसको लिखेंगे सी वाई। ठीक है, फिर इसका डी वाई अगर निकालना होगा तो सिंपल हो जाएगा, क्या करेंगे, डिवाइड जब ये हो जाएगा इससे, डी वाई विद किसके साथ करेंगे, सी वाई से, अर्थात हमारा वही चीज निकलेगी। मेरी आवाज आ रही है तनिष बेटा, तनिष सुन पा रहे हो बेटा मुझे, तो आगे बेटा ये कैसे निकलेगा, देखो हमने dx डैश निकाल दिया, dy डैश यहां पहुंच गए। ठीक है, अब इसको सिग्मा डी एक्स, सिंपल है ना, सिग्मा डी एक्स डैश और गुणा हम करेंगे किससे, ये सिग्मा डी एक्स डी वाई डैश क्या होगा, जब हम डी एक्स डैश को गुणा किससे करेंगे, डी वाई डैश से, और इनका टोटल आगे नीचे को कर लेंगे तो टोटल हमारा हो जाएगा ये सिग्मा डी एक्स डैश डी वाई डैश, ये हमारा हो गया। ये तो हमें पता ही है, डी एक्स का हम टोटल करेंगे, टोटल ऑफ डी एक्स डैश, तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा
डी एक्स डैश, फिर उसके बाद टोटल ऑफ किसका डी वाई डैश, ये नीचे हो जाएगा सिग्मा डी वाई डैश। अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे क्या डी एक्स डैश का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, और इसका जब हम टोटल करेंगे नीचे को तो ये हो जाएगा सिग्मा डी एक्स डैश का स्क्वायर, और हम डी वाई डैश का स्क्वायर करेंगे और नीचे को टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वायर। अब वो सारी चीजें बेटा हमें मिल गई, और एन क्या होगा नंबर ऑफ हमारी जो आइटम्स हैं मदे हैं वो हमारा हो जाएगा एन। अब हमें जो फॉर्मूला बेटा यहां लिखा है वो सारी चीजें मिल गई। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेने वाला हूं, ठीक है। एग्जांपल हम क्या लेते हैं, मान लेते हैं बेटा यहां पे मिले रहा हूं प्राइस, ठीक है, और यहां पे ले लेते हैं दूसरी सीरीज हम ले लेते हैं जैसे प्राइस और डिमांड ले लेते हैं मांग, ठीक है। अब इन दोनों में हमने क्वेश्चन इसका एक ले लेते हैं, मान लेते हैं कीमत 5 है तो उस पर हमारी जो मांग है वो 40, कीमत बढ़ गई 5 से 10, ये हमारा 35 हो जाएगा, ये हमारा 15 है तो ये हमारा 30 हो जाएगा, कीमत हमारी बढ़कर 20 हो गई तो ये 25 हो जाएगी, कीमत और बढ़ गई 25 हो गई तो ये अब 25 से कम होकर 20 रह जाएगी, कीमत अगर हमारी इतना ही करते हैं, ठीक है, यहीं तक लेते हैं। अब बच्चा हुआ क्या, ये हमारा क्वेश्चन हमने ले लिया, ये है कैसा रिलेशन है नेगेटिव, नेगेटिव क्यों है, दोनों एक्स और वाई प्राइस और डिमांड एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, कीमत यहां पे बढ़ रही है तो मांग घट रही है। श्रुति समझ में आ रहा है बेटा दोनों में कैसा रिलेशन दिख रहा है यहां पे? यस सर। नेगेटिव है ना बेटा, क्यों नेगेटिव है, इंक्रीज इन एक्स मतलब कीमत बढ़ रही है तो डिक्रीज किसमें हो रहा है, डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, ठीक है बेटा, तो इसको मैं ले रहा हूं यहां पे ले लेते हैं इसको, ठीक है, इसकी कुछ लाइंस थोड़ा सा ज्यादा हमारी हो जाएगी इसलिए मैं इसको सबसे पहले के ले लेते हैं, कौन सी एक्स वाले एक्स ले लेते हैं, यहां पे हमने ले लिया क्या एक्स, एक्स मतलब प्राइस, तो एक्स हमारा क्या है 5, 10, 15, 20 और 25, ओके। अब हमने करना क्या, अगला स्टेप हमारा क्या है, पहले हमें डीएक्स डैश निकालने से पहले बेटा एक्स का हमें क्या निकालना पड़ेगा, डीएक्स, ठीक है, तो व्हाट इज डीएक्स, डीएक्स क्या होगा, क्या फॉर्मूला डीएक्स निकालने का पीयूष? एक्स माइनस ए एक्स, ठीक है, तो हमने ए एक्स क्या लेना, यहां पे ले लेते हैं बेटा सेंटर पॉइंट क्या है 15 ले लेते हैं, 15 हमने ले लिया तो कितना हो जाएगा ये 5 माइनस 15 बराबर क्या हुआ है -10, ये हमारा हुआ 10 माइनस 15 बराबर है -5, ये हमारा शून्य रहेगा, ये हमारा 20 माइनस 15 बराबर है 5 होगा, और ये हमारा 25 माइनस 15 है तो ये हमारा 10 होगा। ये बच्चों समझ में आ गया यहां तक, dx हमने ले लिया ना? यस सर। लेकिन हमें क्या dx चाहिए कि dx डैश चाहिए, राहुल क्या चाहिए हमें, ये फॉर्मूला बेटा यहां लिखा है ना, ये क्या dx मांग रहा है कि dx डैश मांग रहा है, डीएक्स डैश, तो कैसे निकलेगा वो डीएक्स डैश, कैसे निकलेगा अब डीएक्स डैश इक्वल टू क्या करूं, लिखा यहां कहीं मैंने सर डीएक्स डैश बराबर है dx/c, डीएक्स ओवर सी एक्स। अब ये सी एक्स हमने क्या है, सी एक्स क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये 2 है, y के लिए सी वाई लेंगे वरना ये सी ही होता बेटा, तो इसमें हमने क्या लेना है कॉमन डिवाइडिंग फैक्टर क्या है जो सबको बराबर भाग करता है, कुसुम 3 ले लें? नो सर, सर 5 तो ले लें सर 5, ओके चल तू बोल रही है तो 5 ले लेते हैं, तो क्या हुआ ये dx ओवर cx, मतलब dx यहां पर है हमारा -10 ओवर हमारा cx जो हमने लिया है 5, तो ये हमारा हो गया -2,
ये हमारा है माइनस पांच, सी एक्स हमारा है पांच, ये हुआ हमारा बराबर है माइनस एक, ये हमारा शून्य रहेगा, पांच ओवर पांच ये हमारा एक रहेगा, दस हमारा क्योंकि है डी एक्स और सी एक्स हमारा है पांच लिया हमने, ये हुआ बराबर है दो, माइनस दो माइनस एक शून्य एक माइनस दो, कैसे आया हर्षित समझ में आ गया ये? हर्ष बेटा सुन पा रहा है मुझे? यस सर। तो बेटा ये सी एक्स इक्वल टू हमने पांच लिया, सी क्या कौन सा लेना होता है ये तेरे लिए नहीं है, क्योंकि सी वो लेना होता है जो हमारे इस डी एक्स को सबको भाग कर दे, तो हमने पांच लिया ना, पांच सबको बराबर भाग कर देता है, बराबर भाग का मतलब है कि सबको कर दे, बराबर तो नहीं करेगा ना, दस वो अलग होगा पांच से अलग वैल्यू आएगी, लेकिन कर सबको दे, इसीलिए सी एक्स ऐसा लेना है, कॉमन डिवाइडिंग फैक्टर इसको हम बोलते हैं। तो अब हमने जब इसको माइनस दो माइनस एक माइनस एक और दो हमें मिल गया, ओके बेटा, लेकिन अभी हमारा डी एक्स डैश से पूरा नहीं होता है, हमें डी एक्स डैश स्क्वायर की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो हमने करना क्या, डी एक्स डैश का स्क्वायर अभी लेने को है, ओके। तो अब मुझे बताएगी सुहानी, सुहानी बेटा यहाँ डी एक्स डैश का स्क्वायर कितना आएगा, क्या लिखू यहाँ पे सुहानी, मेरी आवाज आ रही बेटा? सुहानी को नहीं आ रही है, तो किसको आ रही है? गौरव बेटा बता, डी एक्स डैश का स्क्वायर क्या होगा? सर फोर, माइनस टू इंटू माइनस टू विल बी इक्वल टू फोर, ठीक है। कुसुम अब यहां पे क्या आएगा सर? है बेटे सर एक आएगा, क्योंकि माइनस एक गुणा माइनस एक भी हमारा एक ही होता है, ये तो जीरो ही आएगा, फिर यहां भी एक आएगा और दो गुणा दो भी चार आएगा। अब बच्चों डी एक्स डैश का स्क्वायर हमें मिल गया, तो डी एक्स वाले सारे हमारा फिट हो गया मामला, यहां तक बच्चों किसी को कोई डाउट? हर्षित बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। ओके बेटा, अब ये हमारा एक्स हमने निपटा दिया, आई वाई की बारी, तो यहां पे लेते हैं बेटा वाई, वाई हमारा कितना है, पहले 40 है, उसके बाद 10 रुपए कीमत पर मांग कम हो गई 35, कीमत जब 15 हो गई थी तो मांग घट गई ये 30 हो गई है, जब कीमत और यहाँ पे 20 हो गई है तो 20 पर ये और हमारी मांग कम होकर 25 रह गई है, कीमत जब बढ़कर 20 से 25 हुई तो मांग 20 से घटकर अब 25 से घटकर रह गई 20, ये हमने लिया वाई। ये सुहानी को समझ में आया बेटा वाई कहां से लिया हमने? वाई हमने यहां से कॉपी करा, हमें जो ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है, ओके। अब हमने कैलकुलेट करना क्या, अब हमारी बारी आ गई किसकी, डी वाई कैलकुलेट करने की, तो डी वाई का फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? मुझे बताएगा राहुल, बता बेटा राहुल, डी वाई बराबर डी वाई बराबर वाई माइनस ए, वाई माइनस ए वाई, ठीक है बेटा। तो हमने ए वाई क्या लेना, क्या ले यहां पे सर? 30, 30 क्यों, क्योंकि लगभग मध्य में यही है, ठीक है, तो ए वाई हमने लिया 30, ओके। अब मुझे बताएगा कौन, अब बताएगा हर्ष, हर्ष बेटा यहां पे क्या बता, फॉर्मूला यहां पे लिखा है, इसको समझ जरा, डी वाई इक्वल टू वाई माइनस ए वाई, क्या वाई है क्या ए वाई है और क्या वैल्यू आएगी फिर हर्ष? यस सर, बता बेटा, सुन पा रहे ना बेटा? देख यहां देखो y क्या है, यहाँ पे y है ये 40, तो हमने लिया 40 माइनस ay क्या है, हमने यहाँ पे 30 माना है ना, ay क्या लिया है, मतलब एक तरह से y मैंने इसलिए लगाया ना बेटा क्योंकि ये दो श्रृंखलाएं हैं x और y, दोनों में लेना है, तो इसलिए थोड़ा डबल कंफ्यूजन ना हो जाए, वरना ये a ही होता है इसका नाम, तो a हमने a लिया हमने 30, तो ये 40 माइनस 30 क्यों लिया, क्योंकि 30 लगभग मध्यम है, आप 30 भी लो 35 भी लो 25 भी लो तो सबसे आ जाता था आंसर, अब 40 माइनस 30 कितना हुआ 10। अब अगला हमारा नेक्स्ट होगा, यहां पे क्या लिखूं हर्षित बता?
दिख रहा है बेटा यहाँ पे? सर ब्लर सा दिख रहा है बेटा। मैंने जैसे 40 माइनस 30 लिखा था ना यहाँ पे, इससे माइनस किया था इसको। अब यहाँ पे क्या करना है, 35 क्योंकि y हमारा 35 है, माइनस ए वाई हमारा 30 ही है, तो 35 माइनस 30 बराबर है 5। ठीक है, उसके बाद 30 माइनस 30 ये हुआ शून्य, फिर 25 माइनस 30 ये हुआ हमारा माइनस 5, फिर 20 माइनस 30 ये हुआ बराबर है माइनस 10। अच्छा बेटा अब ये ध्यान में आ गया, 10 5 माइनस 5 और माइनस 10 क्यों आया और कैसे आया? हर्षित सर, सुहानी को समझ में आ गया ये? ओके बेटा, अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना? तनिष बता दे रहा, अब एक स्टेप और रह गया अभी इसमें भी करने को। सर अब डी वाई डैश निकालना है। डी वाई डैश क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड है बेटा, ये पद विचलन विधि, तो हमें चाहिए डी डैश। डी वाई डैश कैसे निकलता है पीयूष? पीयूष सो गया? नो सर। चलो डी वाई डैश कैसे निकलेगा बेटा? कुसुम तू बता बेटा। सर डी वाई का स्क्वायर, डी वाई ओवर क्या? सी का स्क्वायर। सी का स्क्वायर सर, सी का स्क्वायर नहीं बच्चे, सी वाई। सी वाई क्या लिया हमने, क्या लेंगे यहां से? कॉमन डिवाइडिंग फैक्टर। तो कॉमन डिवाइडिंग फैक्टर हर्ष क्या लें जो सबको भाग कर दे, इसमें ऐसा क्या है? दो ले, तीन ले, चार ले, पांच ले, छह सात आठ नौ दस, क्या लूं मैं जो सबको बराबर भाग कर दे? सर फाइव। ओके सी वाई हमने लिया फाइव, क्योंकि फाइव टेन को भी भाग कर देगा, फाइव को भी कर देगा। तो यहां क्या निकला, डी वाई ओवर सी वाई। डी वाई हम यहां पे है दस, सी वाई हमने लिया है पांच, तो ये हुआ बराबर है दो। यहां पर है पांच डी वाई और सी वाई है पांच, तो पांच पांच हो गया एक, शून्य रहेगा। ये हमारा माइनस पांच है हमारा डी वाई, और सी वाई हमने लिया है पांच, तो ये हुआ बराबर है माइनस एक। ये है हमारा माइनस दस बटे पांच, ये हुआ बराबर है माइनस दो। अब बच्चों ये समझ में आ गया, दो एक शून्य माइनस एक और माइनस दो कैसे आया? ओके अब इसमें बच्चों मुझे आपसे जानना पता क्या है, इसमें अभी भी दो चीजें रह गई है। अब क्या एक चीज है, इस फॉर्मूले को देखो, इसमें जो हमने हमें जो फॉर्मूले में चाहिए और अभी हमारे नहीं निकाला है वो क्या है पीयूष बता? क्लियर है बच्चे? सर डी वाई का स्क्वायर नहीं निकाला। गुड, हमने अभी डी वाई डैश तो निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर मांग रहा है ना, ये फॉर्मूला भी हमारे हमसे स्क्वायर मांग रहा है, तो हमने करना क्या, डी वाई डैश का स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ पे बताएगा तनिष, क्या है डी वाई डैश का स्क्वायर? सर चार, चार एक शून्य एक और चार। अब मुझे बताएगी श्रुति, चार एक जीरो एक और चार कहां से आया, याद आ गया, समझ में आ गया? यस सर। ओके बेटा अब हमारे पास फिर एक चीज रह गई है, अब ये मुझे बताएगी कुसुम, अभी भी हमारा कंप्लीट हो गया क्या ये फॉर्मूला जो हमें चाहिए वो सब मिल गया हमें? नो सर। कुछ रह गया है कुसुम, तो क्या मिसिंग है इसमें बता बेटा? अभी सर डी एक्स डैश गुणा डी वाई डैश। गुड, अभी हमने डी एक्स डैश इंटू डी, अभी हमने क्या नहीं करा बेटा, डी एक्स डैश इंटू डी वाई डैश तो हमने निकाला ही नहीं अभी, तो ये कैसे निकलेगा? श्रुति बता बेटा यहां पे क्या गुणा क्या करूं मैं? श्रुति मेरी आवाज सुन पा रही है? डी एक्स डैश क्या है और डी वाई डैश क्या है, ढूंढ जरा, इसमें कहीं है कि नहीं है, कि हम ऐसे तो नहीं ले रहे,
है भी इसमें कहीं फॉर्मूले में है हमने कहीं क्वेश्चन क्या है बेटा बता जरा सर माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू ठीक है बेटा मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर टू हां जी माइनस डी एक्स डैश क्या है यहां पे ये है माइनस दो ओके गुणा किसे करना है हमने डी वाई डैश से तो ये हमारा दो क्या है ये है हमारा डी वाई डैश तो दो माइनस दो गुणा दो बराबर है कितना आएगा श्रुति माइनस दो सर फोर फोर कुसुम ठीक बोल रही है तेरी सहेली माइनस दो गुणा दो बराबर है चार माइनस चार आएगा ठीक है ना बेटा ये हाँ श्रुति बेटा एक माइनस की वैल्यू है प्लस माइनस माइनस ही होता है तो ये हुआ माइनस चार ओके अब मुझे बताएगा हर्ष नेक्स्ट क्या करूं बेटा यहाँ पे क्या गुणा क्या होगा सर माइनस वन इंटू जीरो थोड़ा सा गलत है बेटा तू माइनस वन तो ठीक है क्योंकि माइनस वन हमारा क्या है ये हमारा माइनस वन डी एक्स डैश है गुणा क्या करना है पर वन वन जीरो नहीं है बेटा जीरो तो नीचे आ गया ओके ये हमारा माइनस वन इंटू वन क्या होगा ये वैल्यू क्या आएगी माइनस वन माइनस वन ही आएगी ठीक है बेटा ओके तो जीरो गुणा जीरो चलो सबसे मुश्किल मैं किए देता हूं यहां पे जीरो आया ओके अब तुम्हारे लिए आसान छोड़ता हूं नेक्स्ट क्या है राहुल सर माइनस एक गुणा सर एक गुणा माइनस एक बराबर है माइनस एक गुड एक ये है एक डी एक्स डैश गुणा माइनस एक ठीक है ये क्या माइनस एक तो कितनी आई इसकी वैल्यू एक गुणा माइनस एक कितना आता है सर माइनस एक माइनस एक ही आएगा इसका भी ओके अब रह गया लास्ट लास्ट बताएगा कौन तेरा जोड़ीदार विशाल आ गया है क्लास में कहीं नो सर अभी उसके दर्शन नहीं हुए हमारे हमें चलो गौरव बेटा तू बताओ लास्ट लास्ट इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू इक्वल टू फोर माइनस टू इक्वल टू माइनस फोर माइनस फोर ओके बच्चों क्या रह गया हमारा सबका टोटल करने को रह गया बाकी हमारे फॉर्मूला जो चाहिए वो हमने यहाँ ढूंढ लिया है ओके एन कितना है ये बताएगा कौन राहुल सर पांच एन है हमारे पास पांच ओके अब डीएक्स डैश का टोटल अगर हम करें बेटा तो शून्य है पर हमें वैसे इसकी जरूरत भी नहीं है सिग्मा डीएक्स हमें लगाई कहीं नहीं है ना लेकिन अगर लगा भी है तो शून्य है ठीक है वैसे इसकी जरूरत कहीं नहीं पड़ती फॉर्मूले में हमें तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं ठीक है ओके लेकिन हमें क्या चाहिए सिग्मा डी एक्स डैश का टोटल हमें इसका चाहिए तो इसका टोटल कौन बताएगा पीयूष जीरो क्योंकि माइनस के भी तीन है प्लस के भी तीन है तो ये शून्य रहेगा ओके अब हमें इसका भी टोटल चाहिए पड़ेगा किसका सिग्मा डी एक्स डैश का स्क्वायर इक्वल टू ये कौन बताएगा कैलकुलेट करके श्रुति श्रुति क्लास में है कि गायब होगी है बेटा सर्टेन क्योंकि ये हो गया इसका टोटल दस पांच प्लस पांच हो गया दस ओके हमें एन की जरूरत नहीं है एक बारी काफी था पर अगर हम इसका एन ले भी ले पाएगा तो कितना एन है इसका कुसुम सर पांच ये है पांच ठीक है ओके अब हमें डी वाई की टोटल की जरूरत नहीं है लेकिन चलो अगर हम ले भी लेते हैं डी वाई सिग्मा डी वाई इसका टोटल कितना है पंद्रह माइनस पंद्रह बराबर है शून्य वैसे इसकी जरूरत हमें फॉर्मूला कहीं नहीं मांग रहा ये चीज तो नहीं भी निकालोगे तो चलेगा कोई जरूरत नहीं है दोनों को निकालने की सिग्मा डी एक्स की भी आवश्यकता नहीं है सिग्मा डी वाई की भी आवश्यकता नहीं ओके लेकिन हमें चाहिए क्या अब ये तो चाहिए चाहिए सिग्मा डी वाई डैश हमें चाहिए ही चाहिए तो कौन बताएगा इसको सर जीरो हां जी क्योंकि प्लस के भी तीन है
माइनस के भी तीन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिग्मा डी वाई डैश भी शून्य। लेकिन अब हमें चाहिए क्या, यहाँ पे हमें चाहिए पड़ेगा सिग्मा डी वाई डैश और उसका भी स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये टोटल कितना है, चलो मैं ही किए देता हूं, दस सर। ओके, अब लास्ट बच गया बेटा, लास्ट यहाँ पे क्या है, लास्ट हमारा है सिग्मा डी एक्स डैश और डी वाई डैश। ओके, कितना है ये, कौन बताएगा सर? जीरो माइनस दस सर, माइनस माइनस दस। हाँ बेटा, ये जीरो वाला जो महारथी है ना, इसमें सारे माइनस की वैल्यू है, माइनस चार, माइनस एक और माइनस चार, तो ये होगा माइनस दस। सिंपल दस भी नहीं होगा, माइनस के ना सारे, तो क्या वैल्यू आई है, माइनस दस। बच्चों यहां तक हमने जो ये सारी कथा पढ़ ली ना, इसमें सारे वैल्यू कैलकुलेट कर ली, कैसे कर ली ये भी समझ लिया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई अभी? नो सर। अब बेटा जब हमने इतना काम कर लिया, ये हमारे पास वैल्यू है, ये रहा हमारा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को लिखेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर हमारे हाथ में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, क्या आर इक्वल टू क्या है ये, सिग्मा डी एक्स डैश डी वाई डैश, ठीक है। माइनस किससे करते हैं इसको, माइनस करते हैं किसे, सिग्मा डी एक्स डैश, सिग्मा डी एक्स डैश इंटू इसको करते हैं सिग्मा डी वाई डैश से, ओवर होता है ये एन, और सारा ओवरऑल किसके है ये, बटे सिग्मा डी एक्स डैश का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स डैश ओवर एन, इसका भी ये स्क्वायर है लेकिन ये होल अंडर रूट है, गुणा किससे हो जाएगा, ये सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वायर माइनस हो जाएगा सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वायर ओवर एन होल रूट। ओके, अब हमने इसमें वैल्यू डालनी है, R इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डैश डी वाई डैश कितना है, कौन बताएगा? राहुल माइनस दस सर, माइनस टेन, माइनस टेन, ये है बेटा ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो माइनस दस किससे माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे सिग्मा डी एक्स डैश, सिग्मा डी एक्स डैश कितना है सर? जीरो सर, जीरो जीरो। गुणा किससे करेंगे, सिग्मा डी वाई डैश से, तो सिग्मा डी वाई डैश कितना है, जीरो। सिग्मा डी वाई डैश ये है जीरो, बटे एन, एन कितना है सर? पांच सर, पांच पांच। ओके, अब आ जाओ नीचे, सिग्मा डी एक्स डैश का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे बताओ जरा, इसमें कहाँ है सर? टेन सर, टेन, ये वाली वैल्यू है दस। ओके, माइनस इसको किया किसे, सिग्मा डी एक्स डैश, सिग्मा डी एक्स डैश कितना है, जीरो सर, ये रहा सिग्मा डी एक्स डैश, ये है जीरो का स्क्वायर बटे एन, एन कितना है, पांच पांच पांच, ये हो गया होल अंडर रूट, गुणा किसे करेंगे, सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वायर, सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वायर कितना है सर? टेन सर, दस। माइनस किससे करेंगे, सिग्मा डी वाई डैश ये कितना है, जीरो जीरो, जीरो। इस जीरो का स्क्वायर बटे एन, एन है हमारा पांच। अब बच्चों ये वैल्यू हमने पुट कर दी किसमें, फॉर्मूले में, सारी वैल्यू भर दी, अब इसकी वैल्यू निकालना देखो कितना सरल है, मुझे बताएंगे तुम, R इक्वल टू 10, ये है माइनस 10 मैंने लिख दिया, ठीक है, माइनस 10 में लिखा है, जीरो गुना जीरो कितना होता है, बटे पांच कितना होगा, जीरो सर, जीरो। तो मतलब माइनस 10 ही आ गया ना, ये सारी वैल्यू जीरो ही है, तो इसका कोई अर्थ नहीं रह गया, इसका मतलब मैंने सीधा लिख दिया माइनस 10 आ गई ऊपर वैल्यू। ये कुसुम को ध्यान में आया, ये माइनस 10 क्यों आई? यस सर। ओके बेटा, अब यहां पे देख लो, अब आ जाओ नीचे, 10 मैंने ले लिया, ये माइनस किससे किया, जीरो का स्क्वायर जीरो,
तो जीरो बटे पांच फिर जीरो, ये हो गया हमारा दस, ठीक है। तो माइनस क्योंकि शून्य है लेकिन ये अभी अंडर रूट है, गुणा किसे करेंगे अब इससे, दस माइनस क्या करेंगे जीरो का स्क्वायर, जीरो बटे पांच भी जीरो ही, तो दस माइनस जीरो ये भी इसका स्क्वायर भी क्या होगा हमारा अंडर रूट, ठीक है। ये कर दिया हमने अंडर रूट, तो वैल्यू देखो बेटा कितनी आसान हो गई। अब आर इक्वल टू किसके बराबर होगा, आर माइनस दस बटे कितना, दस गुणा दस, ये भी अंडर रूट है ये भी अंडर रूट है, तो हमने अगर इसको अंडर रूट हटा दें तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू माइनस दस बटे ये हमारा है सौ, इसका अंडर रूट, तो क्या हुआ ये माइनस दस बटे दस। समझ में आ रहा है यहां तक, क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? यस सर। माइनस दस बटे दस की वैल्यू क्या निकलेगी आंसर, आर इक्वल टू क्या लिखो अब सर, माइनस वन, पक्का माइनस एक आएगा कि एक आएगा कुसुम सर, इसको मैंने काट दिया तो इसकी वैल्यू आई बेटा माइनस एक, तो आंसर तो ये अभी फिर भी पूरा नहीं हुआ, क्या लिखेंगे हम इसको गौरव बता बेटा, आंसर क्या आया हमारा, माइनस एक तो आया लेकिन लिखेंगे क्या इसको डिग्री में, क्या लिखेंगे बेटा है बच्चे, नेगेटिव, हाँ कोरिलेशन हमारा क्या है, ये इक्वल टू परफेक्ट नेगेटिव, पूर्ण ऋणात्मक है क्योंकि माइनस एक है, अगर ये माइनस नौ नौ भी होता ना, पॉइंट माइनस पॉइंट नाइन नाइन तो भी ये हाई होता, ठीक है, अगर ये पॉइंट सेवन फोर होता तो पॉइंट सेवन फोर से पॉइंट टू फाइव के बीच होता है हमारा मीडियम नेगेटिव होता, और अगर पॉइंट वन से ऊपर होता, पच्चीस से नीचे होता माइनस पॉइंट पच्चीस से, तो ये हमारा लो नेगेटिव होता या शून्य होता। तो हमने इन दोनों में क्या आंसर निकाला, ये जो प्राइस और डिमांड है इन दोनों में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध। ओके अब बच्चों बताओ इसमें किसी को कोई समझ में नहीं आया कुछ तो, किसी बच्चे का कोई डाउट है इसमें बेटा, अंडर रूट कैसे, देखो ना इसकी जो वैल्यू है ना, अब सौ का अंडर रूट कितना होता है, कल मैंने करवाया था ना बेटा एक तुम्हारे को, कहां करवाया था एक फॉर्मूला, तू थी उस वक्त, वो कहां लिखा है मैंने, जो परफेक्ट वैल्यू होती है ना बेटा उसका वो कैसे निकलता है, जीरो का तो जीरो ही आता है, ठीक है। मैंने राहुल कौन था क्लास में बेटा, परसों मैंने एक फॉर्मूला करवाया था, वो इधर ही है कहीं, मैं ढूंढ के बताता हूँ तुम्हारे, हाँ जी सर, अंडर रूट निकालना सिखाया था ना बेटा तुम्हारे को मैंने, कल सिखाया था कि परसों, कब सिखाया था, परसों सिखाया था ना, तो ये बेटा परफेक्ट वैल्यू है। श्रुति तू थी क्लास में परसों, सर नहीं थी। ओके तो मैं बेटा दोबारा तुम्हारे को इजी एक मेथड करवा देता हूं, ठीक है। मान लेते हैं ये तुम्हारे और भी काम आएगा, परसों बच्चे कम थे तो उनको भी नहीं समझ में आया हो, इजी मेथड क्या है बेटा, मतलब 316 से नीचे, मतलब फाइव डिजिट तक, मतलब 99,999 तक का, मतलब 1,00,000 से नीचे जितनी भी संख्या है ना बेटा, उन सब का परफेक्ट जो होगा ना पूरी वैल्यू वाला परफेक्ट अंडर रूट, वो निकालना मैं तुम्हारे को सिखाता हूं, वो सिंपल तरीके से कैसे निकलता है, समझ रहे बेटा, परफेक्ट वैल्यू कैसे निकलती है। जैसे हमने 100 निकालना है, 100 का निकालना है ना कुसुम श्रुति, यस सर, अब मुझे बताएगा एक का स्क्वायर कितना होता है, एक गुणा एक कितना होता है, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक, एक, दो का कितना होगा, फोर, चार, चार, तीन का कितना होगा, नाइन, नौ, नाइन, चार का जल्दी जल्दी बोलो, सोलह, सोलह, पांच का, पच्चीस, पच्चीस, छह का, छत्तीस, थर्टी सिक्स, सात का, फोर्टी नाइन, फोर्टी नाइन,
आठ का 64 नौ का 81 ठीक है, और 10 का 100। अब बेटा इसमें मैं फाइनल आंसर बता रहा हूं, ये जो हमारा 5 है ना बेटा, ये सिर्फ इसी का है 5, ठीक है। 5 हमारा जो लास्ट डिजिट 5 होगा ना, उसका हमारा 5 ही आएगा, 5 के अलावा कुछ आएगा ही नहीं। जहां पे 25, 35, 45, 150 कुछ लास्ट डिजिट उसका 5 ही होगा, ठीक है। 5 किसका आएगा, 5 का ही आएगा। उसके बाद या लास्ट में बेटा 2 हो सकता है, 6 और 6, ये किस किस के हो सकते हैं लास्ट में 6, या तो बेटा ये 6 हो सकता है अंक, या तो ये 4 का आएगा या किसका 6 का, 4 और 6 का लास्ट में 6 डिजिट आ सकता है। जिसमें लास्ट में 6 होगा ना बेटा, इसका मतलब है वो 4 का है या 6 का है। और अगर बेटा लास्ट में 9 है तो 9 किस कारण आ सकता है, लास्ट में अगर 9 है तो वो 2 ही का, या तो 3 का होगा या फिर 7 का होगा, या तो इस 3 का होगा या इस 7 का होगा। और अगर 4 है लास्ट में तो ये 4 आ रहा है ना दोनों में लास्ट में, तो 4 किस किस का हो सकता है। कुसुम तू तो थी ना परसों, अगर लास्ट में 4 आया तो समझो वो किसकी वैल्यू है, वो या तो बेटा 2 की होगी या फिर 8 की होगी, है ना, या तो इस 2 की होगी या इस 8 की होगी, ठीक है, 2 या 8। अब बेटा यदि क्या वैल्यू आई, 1, ठीक है, 1 आता है तो वो किसका हो सकता है, या तो वो 1 का ही होगा या 9 का होगा, 1 का और 9 का, तो 0 का तो खैर 0 ही होगा, इसका तो सेपा ही नहीं। इसका मतलब क्या है बेटा, लास्ट में हमारी वैल्यू अगर ये आती है 5, तो समझो वो 5 की है। यदि लास्ट में वैल्यू 4 या 6 की आती है, मतलब यदि लास्ट में 6 आता है तो उसकी वैल्यू या तो 4 में से होगी या 6 में से होगी, 9 है तो 3 या 7 में से, 4 है तो 2 या 8 में से, 1 है तो 1 या 9 का होगा, ठीक है, 1 ये 9 का भी होगा, 1 2 का है, इसमें भी है ना 1, यहां भी है 1। इसका मतलब बेटा क्या, कितना आसान अभी हम करेंगे इसको। अब मुझे इसमें हमारे क्या वैल्यू जो नहीं आई, ना तो इसमें 3 होगा ना 4 होगा, 3 और 4 नहीं होंगे, 7 और 8 नहीं होंगे, ये 4 डिजिट इसमें नहीं है कहीं भी, देख ठीक है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। अब श्रुति ने बताया क्या, 100 का निकालना है, ये ना बेटा 100, श्रुति 100 का निकालना था ना बेटा हमने यहाँ पे। अब बेटा इसमें क्या करना, लास्ट हम पेयर बनाते हैं, ठीक है, लास्ट पेयर बनाते हैं 0 0 किसका है, 0 तो 10 का है ना बेटा, मतलब 0 0 का है, तो हमने यहाँ पे 0 लिया, तो इसका नियरेस्ट स्क्वायर क्या है, 1 का तो 1 ही होता है, तो इसलिए यहाँ 1 हो जाएगा। ये तो है बहुत आसान, ये तुझे अभी समझ में नहीं आया होगा। अच्छा अब हम करते हैं, मान लेते हैं 625, श्रुति बेटा समझ में आ रहा है, हम निकाल रहे हैं 625 का, ठीक है, 625 में लास्ट का पेयर बनाना किसका, 2 डिजिट का, 2 डिजिट का मैं हमने पेयर बना दिया 625 में 25 का। अब बेटा 5 लास्ट में यहां पे क्या है, 5 है ना, यस सर, तो 5 की वैल्यू क्या होती है, 5 का किसका हो सकता है, 5 तो 5 का ही होगा, यहां है ना बेटा 5, 5 के अतिरिक्त किसी का होगा ही नहीं, तो यहां हमने सिर्फ 5 लिखना है, बाकी कुछ नहीं। श्रुति बेटा समझ में आ रहा है, 5 हमने लिखा, yes, क्यों लिखा 5, क्योंकि 5 का 5 ही आएगा, ये यूनिवर्सल वो है इसका, 5 का 5 ही होगा। अब बच गया 6 किसका स्क्वायर हो सकता है, नियरेस्ट नजदीक का देखना है, 2 गुणा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 गुणा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो इसमें जो छोटे वाली वैल्यू होती है बेटा वो वाली लेनी, 3 तो बड़ा है 9, तो 3 तो होगा नहीं, तो क्या होगा 2 होगा, इसका मतलब है 25 इसका आंसर होगा, सिंगल है इसमें, इसको सोचना ही नहीं है, ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर में कुसुम रफ कॉपी है, 196 कोई लिया था, ओके 196 लिया था ना, ओके तू वो बोलती जाइयो, मुझे सारे बता दे बेटा जो हमने उस दिन लिए थे, मैं दोबारा श्रुति और इनको समझा देता हूँ जो उस दिन नहीं थे। एक 196 था और सर 7396
7396 भी लिया था और सर 5625 ओके चलो इतने ही बते रहे हैं। अच्छा इसको पांच वाले की तो जरूरत नहीं है। अच्छा श्रुति बेटा 196 से मैं शुरू कर रहा हूं, 196 है इसका पेयर बनाया श्रुति, पेयर बना दिया ना इसका 96 का, लेफ्ट साइड की तरफ जाना है पेयर बनाते हुए, दाईं तरफ से दो बनाने यहां पे 96, लास्ट में कौन सा डिजिट है इसमें 96 में श्रुति? सर 6 6 है ना बेटा, तो 6 किसका हो सकता है, ये है 6, दो संख्या या तो ये 4 का होगा या 6 का होगा। श्रुति बेटा ये वाला पॉइंट फॉलो कर रही है जो मैंने यहां लिखा टेबल, ये मतलब या तो 6 किसका आएगा, या तो बेटा ये 4 का आएगा या किसका हो सकता है 6 का, पर हमें ये नहीं पता 4 का है कि 6 का। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, हमने जाना है जो बचा हुआ फिगर है उसकी तरफ, उसका नियरेस्ट क्या 1 गुणा 1 तो 1 ही होता है, तो इसका तो 1 ही है ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें हमने किसकी तरफ जाना है, बड़े वैल्यू की तरफ नहीं जाना बेटा, क्योंकि 2 गुणा 2 तो 4 हो जाता है, वो तो बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब क्या ये 1 आ जाएगा, तो हमारा इसका मतलब है छोटी वैल्यू है, तो 14 इसका आंसर होगा हमारा। कुसुम क्या था हमारा आंसर? सर 14 ही था, 14 ना बेटा, छोटे फिगर की तरफ जाना। तो अब हम करते हैं इसका 7396 हमारे पास ये नंबर है, दोनों का 6 6 ही आ गया, चलो कोई बात। लास्ट में डिजिट क्या है कुसुम श्रुति? सर 96 96 में लास्ट डिजिट कौन सा है बेटा इसका जो पेयर बनाया था, 6 है ना? सर 6 है, यस सर। तो 6 का आंसर क्या हो सकता है सर? 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ओके 4 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है, पर कौन सा हमें नहीं पता, वो पता लगेगा इसमें। 73 बच गया इधर को दो डिजिट ठीक है, 73 का नियरेस्ट स्क्वायर क्या होगा? 8 कितना होता है? 8 होता है 64 ठीक है, उसके बाद 9, 8 के बाद या तो 9 होगा, तो 9 ना कितना होता है 81। श्रुति बेटा समझ रही है, 73 निकालना है ना हमने पूरा, 73 के नजदीक कौन सा है? 64 और 81, या तो 64 हो सकता है 8 या 9, 8 का 64 है 9 का 81 है, लेकिन हमने जाना किस तरफ है, छोटे वाली वैल्यू की तरफ, तो छोटे वाली वैल्यू क्या है 8, इसका मतलब है यहां भी लिखेंगे 8 और यहां भी लिखेंगे 8, समझ गए बच्चे? तो इसको हमने इग्नोर करना है अभी, 9 नहीं लिखना है इसमें, क्या क्यों लिखना है 84 होगा या 86 होगा, दो में से एक आंसर, अब हम पहुंच गए दो में से एक, या तो इसका आंसर 84 है या 86 है। श्रुति यहां तक समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। अब बच्चे इसमें करना क्या, हमें अभी भी पता नहीं चला कि 84 है कि 86 है, अब इन दोनों को गुणा करना, इन दोनों को 8 गुणा 9, 9 8 कितना होता है, कितना होता है 9 8 श्रुति? 9 8 सा 72 सर, 72 ये बेटा 72 आया ना श्रुति, अब 72 से 73 बड़ा है कि छोटा है? सर 73 बड़ा है, 73 बड़ा ना, इसका मतलब बेटा आंसर बड़े वाला होगा, ये हमारा 86 आंसर है। अगर इससे छोटा होता ना, अगर यहाँ 74 आया होता तो ये छोटा होता, तो इसका मतलब 84 होना था, तो ये आंसर हमारा 86 है। क्यों है? क्योंकि 72 से 73 बड़ा है, तो इतना आसान है ये निकालना परफेक्ट नंबर का। और अगर बेटा परफेक्ट नंबर नहीं हो तो भी मैंने करवाया था, कैसे इसका करते हम कुसुम, कोई एक और क्वेश्चन दे बेटा, 6 के अलावा भी हमने कुछ किया था क्या? 529 ओके 529 में हमने पेयर बना दिया, 29 का 5 छोड़ा खाली, तो लास्ट में क्या है श्रुति? सर 9, तो 9 का क्या हो सकता है यहाँ पे, क्या क्या आंसर हो सकते हैं 9 के? 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। ओके 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, ओके, लेकिन हमें नहीं पता 3 के 7 है, तो इसको निकालेंगे कैसे? लास्ट में बच गया ना 5, 5 का छोटे वाला नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा? 2 गुणा 2, 2 दुनी 4 होगा, या 3 गुणा 3 कितना 9, तो 9 बड़ा है इसलिए हमने लेना है 2, तो इसके आगे हमने या तो ये 23 है या 27 है, 2-2 लिखा दोनों के आगे, या तो बेटा 529 का स्क्वायर 23 होता है या 27 होता है,
लेकिन कौन सा ये पता चलेगा हमारे को अब इनको गुणा करके। तो दो गुणा तीन हमने किया, ये हुआ तीन दुनी छ, ठीक है श्रुति बेटा, छ आया ना ये, क्योंकि इन दोनों को अब हमने गुणा करा। अब मुझे बता छ जो आया है हमारी वैल्यू, छ से पांच छोटा है कि बड़ा? सर फाइव छोटा है। छोटा है ना, तो इसका मतलब है 23 इसका आंसर है, छोटे वाली स्पीकर, ये 27 नहीं है, तो सीधा 529 का स्क्वायर 23 होगा। ये तो था बेटा वो मेथड जिसमें परफेक्ट नंबर अगर है तो ही, लेकिन अगर परफेक्ट नंबर नहीं है भी नहीं है बेटा तब भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मान लेते हैं यही वाला कर लेते हैं बेटा, ये जो मैंने यहां करवाया है, जैसे ये वाला कौन सा 5625, ठीक है। अब इसको मैं दोनों तरीके से करके बताता हूं। अगर ये बेटा क्या है 5625 है, तो इसको अगर हम स्क्वायर से करेंगे तो इसका आंसर लास्ट में पांच है, तो पांच का तो पांच ही होता है 25, ठीक है, बच गया 56, तो 7 × 7 = 49, या होता है इसका 8 × 8 होता है 64, ठीक है। तो इसके नियरेस्ट है छोटे वैली वैल्यू 7, तो हमने यहाँ पे लगा दिया 7, तो 75 इसका आंसर है। ये तो है बेटा ये शॉर्टकट मेथड हमारा, लेकिन मैं अब आपको बताता हूं एक जो इसका लंबा मेथड है, ये हमने निकालना है 56 और 25 कैसे निकालते हैं। इसके पेयर बेटा राइट साइड से बाई तरफ की ओर बनाने शुरू करते हैं, समझ में आ रहा कुसुम अपने श्रुति? यस सर। इसके बेटा दो दो के पेयर हमने बनाने हैं बाई तरफ को, तो बाई तरफ का लास्ट का पेयर अगर बन रहा होगा तो ठीक है, सिंगल डिजिट रह जाए तो कोई बात नहीं। अगर मान लेते ये 3 होता ना तो ऐसे ही बनने थे इसके पेयर, इसके दो के, इसके दो के, इसका सिंगल, ठीक है। फिलहाल मैं अभी बताता हूं इसी का 5625 का। तो इसमें सबसे पहले हमने लेना 56 का क्या है, इसका क्लोजेस्ट हमारा क्या है 7 × 7 = 49 ही ना, 7 से जाएगा ये 49, रिमाइंडर कितना बचा इसमें 56, ये हमारा बच गया 7, 56 − 49 = 7। तो इसको हमने नीचे उतारना है ऐड करके, ये हो गया हमारा 14, इसको ऐड करना है, जोड़ना है दोनों को, ठीक है। अब ये ऊपर से उतरेगा पूरा ही, दोनों पूरा पेयर उतरेगा, सिंगल नहीं उतरेगा, 25 का 25 उतारना है, ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया 725। अब ये कितने से जाएगा वो यहां गुणा करना, जैसे अगर ये मान लेते हैं 4, वैसे तो 5 से जाएगा हमें पता ही है, लेकिन मैं तुम्हारे को समझाने के लिए कहता हूं जैसे 4 से, तो अगर मैं 4 से गुणा करूं, 4 × 16 का लगा 6 हासिल आया 1, 4 × 16 और 1 17, फिर बच गया 1 हासिल, 4 × 4 = 5, 576 बहुत छोटा रह गया। तो अगर हम इसका मतलब है हमने ये 5 से गुना करना है, 5 × 5, 5 × 5 = 25 का 5 लगा हासिल आए 2, 5 × 20 = 2 = 22 हासिल आए 2, फिर 5 × 5 = 2 = 7, 725 तो रिमाइंडर 0, इसलिए यहां पे हमारा लग गया 5, क्योंकि 5 से गया, तो आंसर हमारा इस मेथड से भी क्या है 75। श्रुति समझ में आ रहा है बेटा, इसको नीचे को पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, फिर इसको हम ऐड करते चले जाते हैं, अगर कोई और डिजिट यहां होता तो फिर हमने यहां से इसको ऐड करके नीचे को लेना था। यस सर, ठीक है, ओके बेटा, थोड़ा इसका प्रैक्टिस कर लेना। आप प्लस वन वाले बच्चे को अंडर रूट बहुत इजीली आना चाहिए बेटा, अगर प्लस वन में नहीं आ रहा आपको तो फिर समझो जो मैथ में 100/100 नंबर लिए ना तुम्हें, तुम लोगों ने, तो वो फिर शक के दायरे में वो। ओके बेटा, तो ये हम समझ रहे थे कौन सा स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि, ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। मेन इस पे आ जाओ बेटा कुसुम, बेटा अब इसमें लास्ट टॉपिक हमारा जल्दी से हम पढ़ लेते हैं, क्या लास्ट हमने क्या समझना है इसमें, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब सहसंबंध गुणांक की विशेषताएं, कुछ इसकी 5-6 विशेषताएं बेटा, कौन कौन सी है मैं जल्दी से बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट सहसंबंध गुणांक की विशेषता। तो पहली विशेषता तो क्या बेटा इसमें, कि हमारा जो ये आर निकलेगा ना बेटा, आर ये नंबर नहीं है यूनिट है, मतलब क्या इसको बोलेंगे, आर कोई इकाई नहीं है, ठीक है, यूनिट नहीं है, ये केवल एक संख्या है, ठीक है। आर जो निकलेगा ना जैसे 0.99, तो ये कुसुम पा रहे हो बेटा? यस सर। तो मैं बता रहा था दूसरा है कि आर जो हमारा होता है ना बेटा, हमारा पॉजिटिव आएगा ना, तो
इसका मतलब है दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्स के बढ़ रहा है ये एक्स के घटने पर वाई भी घट रहा है। तीसरा क्या है इसमें एडवांटेजेस की कि अगर आर हमारा नेगेटिव आता है इसका मतलब में गए एक्स अगर बढ़ गया डिक्रीज इन एक्स तो वाई हमारा डिक्रीज हुआ, या डिक्रीज इन एक्स तो हमारा वाई बढ़ा है, एक्स के घटने पर के बढ़ने पर वाई घटा है तो वो हमारा क्या होता है लाइट चलेगी। ठीक है भाई कोरिलेशन। तो तीसरा अगर हमारा आर नेगेटिव आया तो क्या अर्थ समझेंगे इसका कि एक बढ़ने पर एक के घटने पर पहला बढ़ा है। ठीक क्या हो सकता है अगर आर इक्वल टू वन आया ना बेटा हमारा, मतलब कोरिलेशन आर एक के बराबर आया है प्लस वन, तो दोनों में पॉजिटिव परफेक्ट पॉजिटिव पूरी तरह से, एक के बढ़ने पर दूसरा भी उतना ही बड़ा घटा है तो वाई भी फिफ्ट है, तो हम उसको बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव। क्या होता है बेटा पूर्ण ऋणात्मक की विशेषता का मतलब है कि ए ही परसेंट दूसरे का घटना, एक्स अगर जिस डायरेक्शन में जिस है वाई उसके अगेंस्ट उतने ही परसेंट। ठीक है मैं गया और इसका लास्ट हमारा पांच समझते हैं कि हमारा प्लस वन